Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Baby Health Guide. दोस्तों, पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर 5 वर्ष से छोटे बच्चों को होती है। ये बीमारी बच्चों के शरीर के किसी भी अंग को जिंदगी भर के लिए कमजोर कर देती है। पोलियो लाइलाज बीमारी है क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। बचाव ही इस बीमारी का एकमात्र उपाय है। पोलियो से जुड़े तमाम जागरूकता अभियान सालों से चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को इससे जुड़ी छोटी बड़ी जरूरी बातों की जानकारी नहीं है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शिशु को पोलियो की ड्रॉप कब और कितनी पिलानी चाहिए। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप उस वीडियो का फायदा उठा सके। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, पहली बार कब पिलाएं पोलियो ड्रॉप। दोस्तों, शिशु के जन्म के आधे घंटे बाद ही अगर पहली बार पोलियो ड्रॉप पिलाई जाए तो वो सही है। वैसे बच्चों के जन्म से लेकर 15 दिन के भीतर उसे पोलियो का पहला टीकाकरण दिया जाता है। इसे पोलियो की 0 ड्रॉप कहते हैं। नंबर 2, कितनी बार है पोलियो ड्रॉप जरूरी। दोस्तों, सरकार के द्वारा जगह जगह बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने के कैंप लगाए गए हैं। घर पर भी ये 2 ड्रॉप जिंदगी की पिलाई जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स किसी वजह से अपने बच्चों को ये ड्रॉप नहीं पिला पाते। उन्हें जानकारी भी नहीं होती है कि कितनी बार बच्चों के लिए ये टीकाकरण जरूरी है। वैसे तो भारत में पोलियो समाप्त हो गया है, लेकिन अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि इस स्थिति को बनाए रखा जा सके। इसलिए ये जरूरी है कि 5 वर्ष के सभी बच्चों को हर बार पोलियो ड्रॉप पिलाई जाए। नंबर 3, अगर किसी कारण से ना पिला पाए पोलियो ड्रॉप। दोस्तों, अगर किसी वजह से आप सरकारी प्रोग्राम के तहत ड्रॉप नहीं पिला पाए हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आपके शिशु को बूस्टर डोज दी गई है तो उसमें भी पोलियो टीकाकरण मौजूद होता है। हालांकि ये सिर्फ 1.5 साल तक के बच्चों के लिए ही होता है। इसलिए कोशिश करें कि आप हर बार अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप जरूर पिला पाएं। नंबर 4, बीमार बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलाए या नहीं। दोस्तों, अगर आपके बच्चे को बुखार, पेट की कोई समस्या या अन्य कोई बीमारी है तो उसे पोलियो ड्रॉप पिलाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप अपने बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।